नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर चलते चलते चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित। मणिपुर में हमें हमारे एक मित्र दिखाई दिए जिनका नाम संजोय है। संजोय एक स्कूल में टीचर भी हैं और पढ़ते भी हैं, तो हमने इनसे रिक्वेस्ट किया। काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी यहाँ पे हिंदी को समझने के लिए, लोग गांव के जो लोग थे वो हिंदी को नहीं समझ पा रहे थे और इंग्लिश भी नहीं समझते थे। तो ये टीचर हैं एक स्कूल में, तो इन्होंने हमारी हेल्प की गांव को देखने के लिए। थोड़ा मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि गांव में आज भी अपने आप वस्त्र तैयार किया जाता है, कपड़ा तैयार किया जाता है। ये कपड़ा गांव में खुद तैयार किया जाता है। कितना सुंदर कपड़ा, ये खुद तैयार किया हुआ कपड़ा है गांव में। बहुत बढ़िया है, डिज़ाइन तैयार किया है, धागा बहुत अच्छा है। संजय, इसको कौन कौन बनाता है कपड़ा? मेरा आंटी। तो आंटी बनाता। अच्छा, तो ये सबको आता है करना काम? हाँ, सबको आता है काम करना। हाँ, आता है। ये भी बना लेते हो या लाते हो? We want to see the type of different type of thing. अलग अलग तरह का बना सकते हैं इसको। तो घरों में आज भी कपड़ा बनाने की जो परंपरा है वो यहाँ पर आज भी मौजूद है, बल्कि जो शहरों में ये चीज़ें विलुप्त हो चुकी हैं, गांव में आज भी वो सिस्टम मौजूद है। और इन्होंने बताया कि यहाँ पे इनके दादा, चाचा, ताऊ सब एक साथ रहते हैं यहाँ पर। है संजोय, कितने फैमिली मेंबर हैं अभी? 15 फैमिली मेंबर्स। ओके, कौन कौन है फैमिली में अभी? फादर, मदर, अंकल, मदर, माय ब्रदर, सिस्टर, ऑल आर हियर। ऑल आर। ये दादाजी हैं संजोय जी के दादाजी, और ये आज भी यहाँ पर मौजूद है। इनसे काम होता है, ये वर्किंग में है, ये नहीं है कि केवल देखने मात्र से हैं, आज भी काम होता है यहाँ पर। ये धागे को, इसका क्या यूज है संजोय, क्या किस काम आता है ये? नहीं, ये वाला किस यूज में आता है? अच्छा, इसको ऐसे। ओके ओके ओके। ओके, ओके, दिस इज वेरी कॉस्टली क्लॉथ। ओके, एकदम साड़ी जैसा है, बिल्कुल महीन, बिल्कुल बारीक काम है ये। ओके, ओकेजनली इसको पहनते हैं। ये जो कपड़ा तैयार होता है लेडीज शादी ब्याह में इसको पहनते हैं। आप सेल भी करते हो, बेचते भी हो ये? सेल भी करते हो। कुछ है ऐसा कपड़ा जो ये क्या रेट है, दिखा सकते हो मुझे कुछ रेडी कपड़ा? रेडी ये जो महीन कपड़ा, शानदार कपड़ा तैयार किया जाता है इनके घर पे ही। और यहाँ पर जो वीआईपी साड़ी होती है वो यहाँ पर बनती है,
ये इस साड़ी को बहुत महीन काम करके तैयार करते हैं और इस एक साड़ी तैयार होने में कम से कम भी 20 से 30 दिन लगते हैं। तो वो साड़ी का जो मार्केट कॉस्ट है इन्होंने बताया है, वो मार्केट में 20,000 में मिलती है। अगर कोई ये साड़ी लेना चाहता है तो वो संजोय से कांटेक्ट कर सकता है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर दे दूंगा। मैं बहुत अच्छा काम देखने को मिला। ओके संजय, अगर कोई बाहर से दिल्ली या दूसरे प्रदेशों से कोई साड़ी मंगवाना चाहता है तो आप उसको भेज सकते हैं? जरूर मिल जाएगा। ये तो पार्टी वेयर हो गया, पार्टी वेयर है ना ये, ओकेजनली ओकेजनली जिसको पहनते हैं, और डेली यूज का कपड़ा वो जो पहले देखा था वो डेली यूज का था। ठीक है, उस डेली यूज वाली साड़ी का कितना वैल्यू होता है, क्या कॉस्ट होता है उसका? 200 वो रेडी है, कोई रेडी है वो अभी तैयार? तैयार नहीं है, तैयार भी नहीं है। अच्छा, अच्छा अभी नहीं है, जो रेडी होता है उसको आप साथ के साथ सेल आउट कर देते हैं, जो भी बनता है वो तुरंत चला जाता है वो। मणिपुर में जो ये घर देखने को हमें मिला है बहुत ही खूबसूरत घर है, और यहाँ के गांव है, मणिपुर इम्फाल से करीबन 40 किलोमीटर दूरी की पे ये गांव है, और जो पुराना हमारा परंपरा होती थी कि घर के आंगन में तुलसी, घर के आंगन में तुलसी आज भी यहाँ पर मौजूद है। हालांकि शहरों में घरों से तुलसी जा चुकी है, लेकिन आज भी यहाँ पर तुलसी मौजूद है, परंपराएं मौजूद हैं, हाथ से वस्त्र बनाए जाते हैं और पूरा परिवार एक साथ रहता है, दादा दादी चाचा ताऊ काका सब एक साथ रहते हैं, वो पुरानी परंपरा आज भी यहाँ पर देखने को मिलती है। ये बराबर में जो गायें हैं यहाँ पर, जो देसी नस्ल की गायें हैं जिसको मणिपुरी सैन बोलते हैं, लोकल काऊ के लिए यहाँ पर चारा है, ये उसका शेड है, यहाँ पर रात को वो रुकती है, अभी जंगल में ग्रेजिंग के लिए गई है, वहाँ भी हम जाएंगे उसको देखने के लिए। और ये वेजिटेबल्स खुद ही अपनी ज़रूरतें अपनी घर में ही पूरी कर लेते हैं, ये फार्मिंग जो करते हैं अपने लिए, आलू इन्होंने उगाया हुआ है, मटर इन्होंने उगाया हुआ है, यहाँ पर अपनी ज़रूरतें सारी ज़रूरतें पूरी कर लेते हैं, ये अपनी ज़रूरतों के लिए इनको बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है। मल्टी फार्मिंग, यहाँ पे मुर्गियों का भी शेड बनाया गया है, मुर्गी यहाँ पर रहती हैं। ये स्टॉक, चारे का स्टॉक यहाँ लगा लिया जाता है।